स्वागत है आपका प्रैक्टिस सेट 13 में, और शॉर्ट सिलेक्शन क्लास है। बिल्कुल बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम के लिए। यूपी का TJTPGT, किसी भी स्टेट का TJTPGT है, और DT+B का TJTPGT है, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या खास है आज के चैनल में हमारे पास, और मेरे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर बेहतर तैयारी आप अपनी रखना चाहते हैं। ठीक है, और जल्दी से गाइड जुड़िए क्योंकि बहुत कम समय रह रहा है, फिर देखिए एकदम से एग्ज़ाम आ जाएगा। मैं बताते हुए थक गई हूँ आपको कि एकदम से एग्ज़ाम आ जाएगा और फिर आप नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए जितना ज़्यादा हो सकता है पहले ही पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे गाइस। बीच में मैं कहती नहीं हूँ इसलिए स्टार्टिंग में ही कहने के बाद ही वीडियो शुरू करती हूँ। चलिए देख लेते पहला क्वेश्चन क्या है। डू यू नो ऑरवेल्स बुक्स आई हैव वन रीड, तो बताइए यहाँ पे डू यू नो, क्या तुम जानते हो ऑरवेल की किताबों को, आई हैव वन रीड, जो मैंने नहीं पढ़ी हैं, मतलब मच आएगा, रीड मच, सम आएगा, मोर आएगा, एनी आएगा। ठीक है, तो एनी आएगा गाइज, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है हमारा और इंट्रोगेटिव हो तब भी एनी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में ही आता है हमारे पास में, तो यहाँ एनी की बात करेंगे हम। फिलॉसफी इज़ कंसीडर्ड विद क्वेश्चंस दैट हैव नो आंसर्स, तो मैनी ऑफ फिलॉसफी होता है, वन ऑफ फिलॉसफी होता है, वन ऑफ फिलॉसफी इज कंसीडर्ड विद क्वेश्चंस दैट हैव नो आंसर्स। ओके, हर लिटिल गर्ल्स आर ऑलवेज, उसकी जो छोटी लड़कियां हैं हमेशा ही ड्रेस्ड रहती हैं, तो प्रिटी आएगा, प्रिटिस्ट, प्रिटियर, प्रिटली, तो ड्रेस्ड जो है आपका वो एक तरीके से क्या हो गया है, ड्रेस्ड आपका एडजेक्टिव हो जाता है, तो एडजेक्टिव को हमेशा कौन करता है, हमेशा एडवर्ब क्वालिफाई करती है, जो कि डी होगी हमारे पास में। द बुके डैश मी 500 रुपीज़, हैव कॉस्टेड का कोई मतलब नहीं है, विल हैव कॉस्टेड की कोई सेंस नहीं है, मस्ट कॉस्टेड की मोरल्स का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तो कॉस्ट ही हमें थोड़ा सुटेबल लग रहा है, तो थोड़ा मतलब यही सुटेबल लग रहा है, तो इसी को हम लोग कर सकते हैं। द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड, अच्छा ऐसी कंडीशन जो सेल्फ गवर्नमेंट जहाँ पर होती है तो उसको क्या कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर है तो ऑटोक्रेसी, ऑटोमेशन, ऑटोनॉमी या फिर ऑटोगेमी, क्या कहेंगे इसको गाइस। ऑटोक्रेसी और ऑटोनॉमी दो चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो जो सेल्फ गवर्नमेंट होती है ना उसको कहते हैं ऑटोनॉमी, और ठीक है हमारा जाएगा। हु कॉल्ड शेक्सपियर, शेक्सपियर को स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसील चाइल्ड किसने कहा है, ये बताना है ना। अच्छा सा क्वेश्चन है और दिक्कत कुछ नहीं गाइज इसमें, और आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, बिल्कुल मिल्टन ने कहा है, मिल्टन ने कहा है ऑन शेक्सपियर में ये, और यही सूट कर रहा है आंसर। द साउंडिंग कैटरेक्ट हॉन्टेड मी लाइक पैसन, दीज लिटिल लाइन्स, ये मैंने क्या लिख दिया, अच्छा ये चलिए ये समझ लीजिए कि ये लाइन्स कहाँ से आई हैं इसको, ओके आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा ये लाइन कहाँ से आई है यहाँ पर। ठीक है, चलिए बता दीजिए इसको फटाफट से, तो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस से है, द टेबल स्टंट से है, द रिवर डेड एंड टिंटर ने भी, सारे ही वर्क जो हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ के हैं, तो देखना आपको ये है कि ये कहाँ से लिया गया है। ओके, तो गाइज ये जो लाइन आपकी बन रही है ये टिंटन एबी से हैं, ओके टिंटन एबी से, यानी कि डी ऑप्शन पे जा सकते हैं। फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नोर द फ्यूरियस विंटर्स रेजेस, दाउ दाई वर्ल्डली टास्क हैज डन, होम आर्ट गॉन एंड टेकन द वेजेस, तो प्यारी सी लाइंस जो ये मैंने अभी पढ़ी आपके सामने, बताइए ये कौन से प्ले की हैं, विलियम शेक्सपियर के हैं, सारे के सारे सिम्बलिन है आपका, और मिडसमर नाइट्स ड्रीम है, किंग लियर है, हैमलेट है, कहाँ पर मिलती है आपको ये, तो ये सिम्बलिन में ही है गाइस। ओके, वन हु इज डेबलर इन आर्ट्स साइंस या फिर लिटरेचर, ऐसा व्यक्ति जो डेबलर होता है आर्ट में, साइंस में, लिटरेचर में, तो उसको कहते हैं डिलिटेंटे। डिलिटेंटे मीन्स होता है पर्सन हु कल्टिवेट्स एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट सच एज द आर्ट्स विदाउट रियल कमिटमेंट और नॉलेज। ओके, मतलब डिलिटेंटे मीन्स होता है एक एमेच्योर इंटरेस्ट इन द आर्ट्स। ओके, तो यहाँ पर लगा सकते हैं हम लोग डिलिटेंटे। द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, मिडनाइट और नून के बीच का टाइम, मतलब आधी रात से लेकर के सुबह दोपहर तक का जो टाइम होता है उसको क्या कहते हैं, तो ये एंटी मेरिडियन, एडी सुना होगा आपने, तो वही ये हो जाएगा। ओके, सी ऑप्शन पे। स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नॉन, तो एक्सटेंट होता है, एक्सटेंट, इटर्नल या फिर इमानेंट,
क्या आप टिक करेंगे यहाँ पर? तो देखिए एक्सटेंट होता है, दो एक्सटेंट हैं तो बी वाला एक्सटेंट होता है EXTENT। तो एक्सटेंट होता है मीन्स स्टिल एग्जिस्टेंट, जो व्यक्ति जो चीज़ अभी भी एग्जिस्टेंस में है उसको एक्सटेंट कहते हैं, जो हमारे सामने है सर्वाइव कर रही है उसको कहते हैं एक्सटेंट। ओके, अनडिस्ट्रॉयड भी होता है इसका जो सिनोनिम है, अनडिस्ट्रॉयड जो नष्ट ना हुई हो, एग्जिस्टेंट भी होता है और ठीक है एंड्यूरिंग भी होता है। वन में वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्लर्क भी आप लगा सकते हैं, अकाउंटेंट भी लगा सकते हैं, बट इसका जो आंसर है वो ऑडिटर होता है। ऑडिटर देखिए अकाउंटेंट यहाँ पे अकाउंट का जो एग्जामिनेशन करता है या संभालता है उसको आप कह देते हैं अकाउंटेंट, बट ऑडिटर कहते हैं, ऑडिट लेते हैं जो है ना, तो ये हमारा हो जाएगा। अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स के द्वारा जो गवर्नमेंट होती है उसको क्या कहेंगे? प्लूटोक्रेसी कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी या फिर मोनार्की। देखिए प्लूटोक्रेसी होती है धनिक तंत्र, जो काफ़ी जो वहाँ पर जो वैसे लोग होते हैं ना जिसको कहते हैं पैसे वाले हैं ना, धनिक तंत्र कहते हैं प्लूटोक्रेसी को। एरिस्टोक्रेसी आपका क्या हो, सॉरी प्लूटोक्रेसी आप प्लूटोक्रेसी हो जाता है आपका कुलीन तंत्र है ना, एक सर्वश्रेष्ठ कुछ गिने चुने लोगों को जो माना जाता है वो जब तंत्र को चला रहे हो। एरिस्टोक्रेसी आपका होता है जो धनिक तंत्र, जो पैसे वाले को। ब्यूरोक्रेसी आपका हो जाएगा ऑफिशियल, मोनार्की तो राजतंत्र होता ही है। अवॉइडिंग वेस्टेज, अवॉइडिंग वेस्टेज, तो वेस्टेज को अवॉइड जो करना होता है तो उसको आप इकोनॉमिक कहेंगे, इकोनॉमिकल कहेंगे, मिनिमल कहेंगे, ऑप्टिमेशनल कहेंगे, क्या आप उसको बोलेंगे? ठीक है, तो यहां पर जो बात हो रही है उसको आप लोग इकोनॉमिकल कहेंगे। गिविंग फूड वैल्यू, जो फूड को वैल्यू देते हैं या फिर जो भी चीज़ें वहाँ पर हैं, टाइम को भी एफर्ट को वैल्यू देते हैं, तो यहाँ हमारा हो जाएगा वेस्टेज को जो अवॉइड करते हैं कि ना चीज़ों का वेस्ट होना चाहिए ना टाइम का वेस्ट होना चाहिए, तो इकोनॉमिकल ही तो कहेंगे, उसको बी ऑप्शन हो जाएगा। टू क्लीन द ऑजेंट टेबल्स, ये बताइए, ये एक फ्रेज है, इडियम है, इसका मीनिंग आपको बताना है। टू पर्ज क्लीन या फिर क्लीन करना, पर्स करना होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इट्स एब्यूजेस, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में या शासन में जो भी मतलब तंत्र के अंदर जो भी गलतियां हैं, जो भी एब्यूजेस हैं, कमियां हैं, उनको दूर करना होता है। टू बाय हॉर्सेस, टू सेल हॉर्सेस, देखिए स्टेबल से मतलब है तो हॉर्सेस से तो मतलब हो नहीं गया है ना, ये बातें आप याद रखें। ईडियम और फ्रेजेस कभी भी उन वर्ड्स का आंसर नहीं हो सकता है जो आपको ईडियम के अंदर कोई वर्ड रिलेट कर रहा हो, उसका अलग ही मीनिंग होता है। तो टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस, तो बताइए यहां पर टू क्लीन द अर्जेंट टेबल्स में क्या आप यूज करेंगे? तो देखिए इसका अगर मुझे आंसर लग रहा है तो वो लग रहा है ऑप्शन ए, यानी कि टू पर्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से जो है बुराइयों को दूर करना होता है। ऑफ द डीपेस्ट डाई का क्या मतलब होता है? तो ऑफ द डीपेस्ट डाई मीन्स होता है समथिंग वर्स्ट या फिर मोस्ट एक्सट्रीम टाइप। ओके, समथिंग वर्स्ट या मोस्ट एक्सट्रीम टाइप। टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, इसका मतलब बताइए। वैसे इसका बहुत सारियों का इनमें से आपको पता भी होगा मुझे लग रहा है, तो इसका होता है देखिए डिफेट को मान लेना, हार मान लेना होता है, तो एडमिट डिफेट सी ऑप्शन हो जाएगा सीधा। टू रूल द रूस्ट, टू रूल द रूस्ट, टू मेजर द हाइट ऑफ समथिंग, टू मेजर द डेप्थ, टू स्ट्राइक विद अ स्टिक या फिर टू डोमिनेट। तो इसकी अगर बात करें हम लोग तो इसमें हम लोग लगा सकते हैं ऑप्शन डी, यानी कि टू डोमिनेट। ओके, डी ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे सीधा, यही हो जाएगा इसका। इसका डोमिनेट का मतलब होता है टू मींस कंट्रोलिंग या फिर बीइंग इन चार्ज। ठीक है, बीइंग इन चार्ज, चार्ज में रहना या फिर कंट्रोल करना सबको। टू रूल द रूस्ट, टू सो द विंड एंड रीप द वर्ल्ड विंड, इसका बताइए। टू सो द विंड एंड रीप द वर्ल्ड विंड, टू एन्जॉय द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क, टू बी deprived of one's reward, to act wisely, या फिर टू हर्ट somebody's feelings, क्या यहाँ पे यूज करेंगे आप? जी देखिए इसकी अगर बात करूँ तो मुझे लग रहा है इसका जो आंसर आपका बनता है क्या बन जाएगा कि गुड चलिए तो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, ये हमारा क्वेश्चन क्या था, ये था हमारा क्वेश्चन टू सो द विंड एंड रीप द वर्ल्ड विंड, इसका बताना है आपको।
देखिए इस पे अगर हम आए तो ये हो जाएगा टू सफ़र वंस फुलिश कंडक्ट, किसी के फुलिश कंडक्ट को सफ़र करना। तो कौन सा आंसर आपको यहाँ पे लग रहा है? किसी के फुलिश कंडक्ट को सफ़र करना मतलब डी पे जा सकते हैं, टू हर्ट समबडीज फीलिंग्स, यही हो जाएगा इसका। टू कट द गॉर्डियन नॉट, अच्छा टू कट द गॉर्डियन नॉट होता है टू सोल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, सीधा सी ऑप्शन हो जाएगा। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास डिपिक्टेड इन, अच्छा इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास डिपिक्टेड इन कहाँ पर मिलते हैं? ये गाल्सवर्दी के हैं सारे वर्क, तो इनमें आपको बता दीजिए कि कौन से में आपको क्लास इन्फ्लुएंस नज़र आता है। तो ये लॉयल्टीज़ की बात हो रही है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लॉयल्टीज़ आई थिंक ये आपका 1921 में या 22 ऐसा ही था। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर द ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन टू ऑफन लाई टू दी 40 ईयर्स, हु सेड, किसने कही थी ये लाइन बता दीजिए फटाफट से। तो देखिए ये किसकी लाइन है, ये आपका बनता है क्वेश्चंस बताइए। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर गिव थॉट्स, ठीक है मुझे इसमें कोई से की भी नहीं लग रही है, ये तो वर्ड्सवर्थ की है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑड ऑफ इंटीमेशंस की लाइन है ना, ऑड ऑफ इंटीमेशंस इमोर्टैलिटी की लाइन है ये, और इसमें वो पोयम है नहीं जो कि 1804 में आई थी, ठीक है। तो इसमें हम नन पे जाएंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा। मैं सोच रही थी मैं कि ऑप्शन में तो है नहीं ऐसा कोई आंसर, तो मुझे इनमें नन ही लगा फिर, तो वर्ड्सवर्थ का है और इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी या फिर इमोर्टैलिटी और से जानते हैं आप। When the assault was intended to the city is a sonnet by, ये सोनेट किसकी है ये बताना है। तो बिल्कुल ये जो है जॉन मिल्टन की है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे लगता है पता भी होगा बहुत मतलब सारे ही लोगों को पता होगी ये। When assault was intended to the city एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है मिल्टन की ग्रैंड पोएट्री स्टाइल का, ओके ये बहुत फेमस है ग्रैंड स्टाइल के लिए, ओके ये इनकी 8वीं पोयम है कम से कम जो पब्लिश हुई थी। चलिए Despite his old age, his movements were as spirited as a young man. तो यहाँ पे आप क्या करेक्शन करेंगे या फिर करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। A young man's, if a young man, those of a young man, no improvement. तो यहाँ देखिए मुझे लग रहा है those of a young man करेंगे, क्योंकि देखिए despite his old age, his movements were as printed as those of a young man, है ना एक young man की तरह, तो as a young man की यहाँ पे नहीं suitable लग रहा है मुझे। तो चलिए ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन है। For me journey by air is preferable than that by train, बताइए इसमें क्या करेंगे आप। देखिए preferable के साथ कभी भी then नहीं आता है, prefer हो तब भी टू आएगा, preferable हो तब भी टू आएगा, तो ये जो हमारा then है ये यहाँ पे wrong है, टू हो जाएगा। तो preferable टू किस में आया, बी ऑप्शन में आया है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए गाइज यही था आज की क्लास, और आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए गाइज, ओके थैंक यू।